नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। बता दें कि आज हम तोरपा प्रखंड क्षेत्र के बिरता गांव पहुंचे हैं। यहां के ग्रामीणों ने हमें फ़ोन कर बुलाया है। ग्रामीणों ने हमें बताया कि यहां पीने के पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है। हालांकि यहां नल लगा हुआ है, सोलर वाटर पम्प है, लेकिन उससे आयरन युक्त पानी निकलता है। पानी में आयरन निकलने की वजह से लोग उसे पी नहीं सकते हैं। ग्रामीणों ने हमें ये भी बताया कि गाँव के लोग कई बार कई पदाधिकारियों को, जैसे प्रखंड स्तर के पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक को भी आवेदन दिया गया है और वहां से अनुशंसा भी हो गया कि इस गांव में पीने लायक सोलर वाटर पंप, ये पीने लायक पानी का व्यवस्था कराया जाए। लेकिन पता नहीं किस बात के चलते विभाग द्वारा अब तक इन्हें, इस गाँव वाले को पीने की पानी का व्यवस्था नहीं कराया गया है। गाँव वाले ने हमें बताया कि इस गांव में एक ऐसा कुआं था जहां से पूरे गांव को पीने लायक पानी मिलता था। आप हमारे पीछे देख पा सकते हैं, ये कुआं, यही वो कुआं है जहां से पूरे गांव को पीने की पानी उपलब्ध हो पाती थी। लेकिन ये कुआं भी दुर्भाग्यवश धस गया है। ग्रामीणों ने हमें ये भी बताया कि ये चंदा करके एक बार इस कुआं को बनाया गया, लेकिन बावजूद इसके फिर भी धस गया। अब ग्रामीणों को पीने की पानी का ज़्यादा समस्या हो गया है। सर, ये कुआं पूरा गांव देख रेख करता था। कुआं पानी के लिए बहुत अच्छा था सर। पूरा टोली माने कि कोई भी आदमी कुआं से पानी नहीं लिया हो ही नहीं सकता है। प्लस ये कुआं जब जर्जर था, धंसने वाला था, उस समय रिपेयरिंग भी हुआ था सर। और जब रिपेयरिंग हो गया ये कुआं का, फिर से धंस गया सर। और सबसे अच्छा पानी पीने के लिए गाँववासी लोग यहीं आते थे। ये कुआं को चंदा करके बनाया गया था, फिर भी कुआं टिक नहीं पाया। अब हम आपको आगे भी दिखाएंगे गांव में किस किस प्रकार से चापानल है, कहां से आयरन युक्त पानी निकलता है। हम सभी चीज़ और ग्रामीणों से बात भी करेंगे, हम पूरे बात करके और गांव की जो स्थिति है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं। इस दौरान हमने वहां के ग्रामीणों से बात किया है। आप देखिए कि ग्रामीणों ने जल समस्या को लेकर क्या कुछ बताया है, और साथ ही ये भी देखिए कि वहाँ जो चापानल है उससे आयरन युक्त पानी निकलता है। से कितना दूर है यहाँ से? 100 किलोमीटर होते हैं। और यहाँ पानी का व्यवस्था? नौखे पानी का सुविधा नहीं है। नहीं। क्या नाम आपका? सुलंती देवी, ऊपर टोली से। इधर नहीं है? इधर नहीं है। नहाने धोने के लिए, पीने के लिए सब कुछ का सुविधा नहीं है। दूर जाते हैं नदी नहाने के लिए। कितना दूर नदी है यहाँ से? नदी कितना दूर है? अच्छा, ढेर दूर है। इन समस्याओं के अलावा ग्रामीणों ने हमें ये भी बताया कि गांव में चापानल है और उससे पानी भी निकलता है, लेकिन पानी में इतना ज़्यादा आयरन का मात्रा होता है कि उससे ना तो नहाने धोने और ना ही पीने में प्रयोग कर सकते हैं। जरा सुनिए कि क्या कुछ बताया है। कुआं का पानी लाते थे लेकिन कुआं धंस गया, उसके चलते बहुत दिक्कत हो रही है। और चापाकल का पानी जो है कि आयरन निकलता है तो बहुत मुश्किल होता है, वही पानी को पीते हैं छान के। पानी का समस्या है इसलिए पानी चाहिए हम लोग को। मतलब गांव में पीने के योग्य पानी नहीं, पानी है। नहीं है पीने योग्य। क्या नाम है मैडम आपका? जानकी देवी। ये बहुत दूर दूर से एकदम को ना जो पानी नहीं भेटे थी, कपड़ा लाता सब गंदा गंदा पिंधा थी ओढ़ थी। हमरे बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। बुढ़िया गेला तो मैं पानी दूर से आने के नहीं पा रहा हूँ तो काके। क्या नाम आपका? सोमारी। तो अभी आपने सुना तोरपा प्रखंड क्षेत्र के ग्राम बिरता में किस प्रकार से जल समस्या है। तो खूंटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए झारखंड टुडे के साथ, और देखते रहिए खूंटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें।